देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है हमारा मसाला मशरूम। तो देखिए किस तरह से हमने मसाला मशरूम बनाया है और बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं रेसिपी क्या है। तो आज हम आपको मसाला मशरूम बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक पैकेट पूरा मशरूम लिया है। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके इस तरह से एक मशरूम को 4 पार्ट्स में इतना काट लिया है। और एक शिमला मिर्च हम लिए हैं और इस तरह प्याज लिए हैं। देखिए इसको ऐसे मोटे मोटे इसे अलग अलग स्लाइसेस में इस तरह से अलग कर लिया है। और ये प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट है। इसमें हमने एक प्याज लिया है, एक लोब्स पूरा लहसुन है और आधे इंच का अदरक उसका पेस्ट बना के रखा है। और ये 2 टमाटर है उसका प्यूरी बना के रखा है। और ये खड़े मसाले हैं जो यूज़ करेंगे हम। इसमें तेज पत्ता है, दालचीनी है, सहजीरा है, काली मिर्च है, छोटी इलायची है, एक थोड़ा सा यहाँ पे हम चिरौंजी ले रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक कढ़ाई रख देंगे, गैस को ऑन कर देते हैं। ये इतना टेस्टी फ्लेवर में हम आज आपको बना के दिखाएंगे कि आप होटल स्टाइल बिल्कुल आप इसका टेस्ट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मशरूम जो होता है मार्केट में इसमें थोड़ी सी स्मेल आती है। तो इसके स्मेल को हमको चेंज करने के लिए, बिल्कुल बटरी फ्लेवर देने के लिए, इसमें थोड़ा सा देसी घी इस तरह से 1/2 स्पून डाल देंगे कढ़ाई में। और इसमें हम अपने इस मशरूम को थोड़ा हल्का सा सोटे कर लेंगे, यानी हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल बटरी जैसा आ जाए। और देसी घी है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सब्जी में। तो आप घी की जगह पर चाहिए तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसलिए बटर की जगह पर हम ये घी यूज़ कर रहे हैं। बटर मशरूम जो आपने खाया होगा वो बिल्कुल ऐसे टेस्ट लगेगा, उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनता है सब्जी। इस तरह से बस हमको 1 मिनट के लिए इतना हल्का सा सोटे कर लेना है, फिर इसको निकाल लेना है। देखिए 1 मिनट हो गया है हमारे, ये देखिए एकदम सोटे हो गया है। बिल्कुल हल्का सा हमें इसको स्मेल इसका चेंज कर लेना होता है और इसको हम फिर निकाल ले रहे हैं। ये देखिए इसमें अब उसी सेम कढ़ाई में हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो आप चाहिए तो घी में बना सकते हैं, बटर में बना सकते हैं। ये हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हम ऑयल डाल रहे हैं। इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। फिर इसमें ये खड़े मसाले पहले डालेंगे। इसको तेज पत्ता डाल दिया यहाँ पे, दालचीनी ये मसाले इसमें डाल देंगे। यहाँ 1/2 स्पून जीरा डाल रहे हैं। अब इसी में ये प्याज, जो खड़ा खड़ा प्याज हमने इस तरह से लिया पीछे से बना के, इसे हमने इसी से अच्छी तरह करके से भून लेंगे। इसे जलाना नहीं है हमें, बिल्कुल हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है। इसमें हो गया 1 मिनट, अब इसमें हम प्याज का ही प्यूरी डाल देंगे। इसको भी थोड़ी देर भून लेते हैं। फिर इसमें हम टमाटर डाल लेते हैं, टमाटर का पेस्ट। इसको भी आंच को मीडियम तक करते हैं, इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। एक मिनट के लिए इसको भून लेते हैं। अभी देखिए भून लिया हमारा, इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं, सूखे मसाले। तो यहाँ पे हम 1 स्पून धनिया डाल रहे हैं, 1/2 स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर, यहाँ 1/2 स्पून रेड चिली, यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट भी डाल देते हैं इसी समय। यहाँ पे 1 स्पून हम डाल रहे हैं सॉल्ट। मसाले को इस तरह से हल्का सा चला के हम इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। देखिए इस तरह से हमने कवर करके 2 से 3 मिनट तक का इसको भूना है अच्छे से। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून गया, आप देख सकते हैं इसमें ऑयल देखिए बाहर दिख रहा है आपको साफ साफ। तो अब हम इस डिश पे क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 1 स्पून हम गर्म मसाला ले रहे हैं, इसको डाल दे रहे हैं।
इसको चला देंगे इसके साथ मसाले में। अब यहाँ पे पानी हम देखिए जार में जो मसाला पीसे थे इसमें से पानी मसालों को निकाल के इस तरह से एक बाउल में इसमें पानी डाल देंगे। इसको चला देते हैं। अब इसमें हम मशरूम ऐड कर देंगे। मशरूम ऐड कर दीजिए इसको, देखिए ये क्योंकि अच्छे से ये हम इसको सॉटे कर चुके हैं घी में, तो इसका पूरा फ्लेवर इस मसाले में आ जाएगा। ये देखिए डाल दिए। अब इसको ढक के हम इसको 1 से 2 मिनट तक इसको मीडियम प्याज करके पकने देंगे, जिससे सारे मसाले अच्छे से इसमें भिन जाएं। तो कवर कर दे रहे हैं। देखिए सब्जी को हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकाया। अब सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है। गैस को हमने इसको देखिए यहाँ पे ऑफ कर दे रहे हैं। कितनी अच्छी ग्रेवी आप देख रहे हैं, कितनी अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हुई है, कितनी अच्छी सब्जी है। हम इसको एक बाउल में आपको सर्व करके दिखाते हैं कि हमारा मसाला मशरूम कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा इसकी टेस्ट और बढ़ाना चाहते हैं इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्रीम लिए हैं, यहाँ पे क्रीम डाल दीजिए तो इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम क्रीम डाल दे रहे हैं 1 स्पून के करीब। अब हम इसको एक बोल में सर्व करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा मसाला मशरूम बन के तैयार हो गया। कितना बढ़िया लग रहा है देखने में ही, खाने में तो लाजवाब है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप इस तरह से इसको ट्राई करिए, देखिए कितना टेस्टी है देखने में लग रहा है। बहुत ही टेस्टी हमारा ये सब्जी बनके तैयार हुआ। तो आप ये मसाला मशरूम जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी। दिवाली के फेस्टिवल पे इसको बनाइए, इसे ट्राई करिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को आप इसको खिलाइए। बहुत ही टेस्टी डिश है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन है, उसे दबाना मत भूलिए। उससे कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने ये रेसिपी ट्राई किया और आपको ये वीडियो देखने से आपको कुछ भी हेल्प मिला हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दिया करिए। जो भी आपको आपके मन में क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप उसको पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।